अगर बस रुक जाती तो नहीं बचते तो कन्फर्म था, अगर बस खाई में नहीं गिरती तो नहीं बचते। अब पहले तो नहीं पता चला था कि आतंकवादी, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ वहाड़ कोई फट रहा हो, दग रहा हो, लेकिन जब जो है शीशे पे गोली चलने लगी तो सामने ऐसे नज़र पड़ा तो देखे कि पट पट्टा बांधा था, ब्लैक पट्टी था, तो लगा कि आतंकवादी है। 2 ही मिनट लगा होगा, इतना तेज़ फायरिंग चल रहा था और जैसे मतलब ड्राइवर को लगा गोली, बस तुरंत खाई में गिर गई। सर जो सामने से फायरिंग कर रहा था, एक लोग को देखे थे, उसके बाद में वो नहीं देख पाया। अगर बस खाई में न गिरती तो कोई भी नहीं बचता, आतंकवादी सभी को मार देते। ये कहना है जम्मू के रियासी में आतंकी हमले में घायल हुए बलरामपुर के संतोष का। 9 जून के जम्मू के रियासी में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया। बस में सवार लोगों ने बताया कि अचानक कैसे आतंकवादी बस के सामने आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बलरामपुर के संतोष बस ड्राइवर के पास ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि कैसे आतंकवादियों ने हमला किया और गोली सीधा ड्राइवर को लगी। गोली लगने के बाद ड्राइवर का कंट्रोल बस पर से छूट गया और बस सीधा खाई में गिर गई। घायल संतोष का कहना है कि अगर बस खाई में ना गिरती तो कोई भी नहीं बचता, आतंकवादी सभी को मार देते। सर जो सामने से फायरिंग कर रहा था, एक लोग को देखे थे, उसके बाद में वो नहीं देख पाया। हाँ बस जो है बस मुश्किल से 2 ही मिनट लगा होगा, इतना तेज़ फायरिंग चल रहा था और जैसे मतलब ड्राइवर को लगा गोली, बस तुरंत खाई में गिर गई। और खाई में गिरने के बाद में फिर फायरिंग हुआ है। आप लोग बस में थे कि बाहर? नहीं, हम पता नहीं चला, हम बाहर पड़े हुए थे, जो है बस से बाहर पड़े हुए थे। कितनी देर तक चली है फायरिंग? रुक रुक के चलती थी, 3-4 मिनट तो रही होगी। कब तक लोग पड़े रहे, कितनी देर बाद मदद के लोग? आधा घंटा से ऊपर हो गया होगा, उसके बाद में पुलिस आई और स्थानीय लोग रहे होंगे या कोई रहा होगा, पहचानते नहीं है। जैसे जब गोली चली तो कैसे पता चला कि आतंकवादी आ गए? सर पहले तो नहीं पता चला था कि आतंकवादी, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ वहाड़ कोई फट रहा हो, दग रहा हो, लेकिन जब जो है शीशे पे गोली चलने लगी तो सामने ऐसे नज़र पड़ा तो देखे कि पट पट्टा बांधा था, ब्लैक पट्टी था, तो लगा कि आतंकवादी है। हम ड्राइवर के पास में बैठे थे, आगे बैठे थे। जी सिर में, हाँ सिर में, हाँ, सिर में लग गई थी। कितने लोग गए थे? हम लोग यहाँ से, अपने यहाँ से 14 लोग थे, 14 लोग सब घायल हो गए। अगर बस रुक जाती तो नहीं बचते तो कन्फर्म था, अगर बस खाई में नहीं गिरती तो नहीं बचते। आतंकी हमले में घायल गीता देवी ने बताया कि बस के खाई में गिर जाने के बाद भी आतंकवादी करीब 15 से 20 मिनट तक गोलियां चलाते रहे। बस में सवार सभी लोग चीख रहे थे। इसके बाद कहा गया कि सब लोग चुप हो जाओ वरना बस के अंदर घुस जाएंगे। सड़क पर बस पहुंचा, सामने आतंकवादियों ने सामने खड़ा होकर गोली चलाया, पहले ड्राइवर पर चलाया, फिर ड्राइवर को गोली लग गई, पैर में मारा, पैर बस खाई में गिर गया। नीचे गिरने के बाद फिर भी वो आतंकवादियों ने गोली चलाते रहे लगभग 15-20 मिनट तक। हाँ बस में, हम लोग बस में थे। आतंकवादी बस आ रहा था और सामने आतंकवादियों ने खड़ा होकर गोली चलाने लगा। कितने लोग थे? सामने एक लोग थे और सब लोग जो बस में थे वो बोल रहे थे, हम लोग सामने वालों को खोल देखे और बोले देखे, वो बस में हलने की कोशिश किया और गेट बंद किया, जब तक बस खाई में पलट गया घुसने को नहीं पाया। दरअसल बलरामपुर में 14 लोगों का ग्रुप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था। शिवखोड़ी से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते समय श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादियों ने 9 जून को हमला कर दिया था। इसमें कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में मरने वाले बलरामपुर के 2 लोग भी शामिल हैं, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमले में बलरामपुर के मरने वाले 2 लोगों के शव घर पर पहुंचे तो चीख पुकार मचने लगी। वहीं हमले में घायल बलरामपुर के 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में भर्ती घायलों ने आतंकवादी हमले को लेकर जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घायल संतोष ने कहा कि गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जो पल बीते वो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। बलरामपुर से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।